हेलो मानवा लवर्स, तो आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ फिर से एक नया मानवा जिसमें आपको मेन कैरेक्टर मिलेगा दूसरे वर्ल्ड में घूमते हुए। कई सारे अलग अलग टाइप के बीस्ट भी देखने को मिलेंगे एंड मेन कैरेक्टर के पास एक सिस्टम और एबिलिटी तो होगी जो कि ये वीडियो को काफ़ी ज़्यादा खास बनाएंगे एंड वीडियो यूनिक भी होने वाली है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग करते हुए वीडियो को लाइक करो एंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेन कैरेक्टर की आगे खुलती है, उसके सामने एक काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर खड़ा रहता है। मेन कैरेक्टर देखते हुए भी लाइक भाई ये कौन आ चुका है, ये है क्या हमारे सामने। एंड तभी एक सोल्जर सामने आते हुए कहता है ये और कोई नहीं, इसका नाम जो है नाइटमेयर बैरिस विच है, तो तुम्हें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई क्या हुआ था कि हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे पहुँच चुका है। तो सीन हमें थोड़ा पास्ट की दिखाई जाती है, एक शहर दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आराम से घूम रहा होता है। तभी इसके मोबाइल फ़ोन पर मैसेज आता है, ज़ियाओ क्या कर रहे हो तुम, जल्दी से ऑफिस को आ एंड इस पिक्चर को प्रिंट कराने को जाओ। एंड ये मैसेज उसके बॉस का रहता है एंड बॉस ने भाई एक GIF सेंड की होती है। एंड ये देखने के बाद मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे भाई मेरे ऊपर नहीं तो कम से कम उस प्रिंटर के ऊपर थोड़ी सी नरमी बरसा, ये GIF है, इसको कैसे प्रिंट हम लोग कर सकते हैं। एंड ये देखने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये बॉस जो है एक दिन मेरी जान लेके रखेगा कि ये मेरे को एक ऐसे फालतू काम देता रहता है। लेकिन तभी शहर के बीच में हवा में से एक डॉल्फिन आती है एंड मेन कैरेक्टर के सर के ऊपर गिरती है। एंड मेन कैरेक्टर ये कहता है कि क्या हो गया, ये मेरे को इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है, किसने मेरे ऊपर कुछ सामान फेंका है। एंड बाकी पूरी पब्लिक है चारों तरफ देखने लगती है कि ये अभी हुआ क्या है। एंड भाई खून इतना निकल जाता है मेन कैरेक्टर वहीं गिर जाता है। एंड तभी लोग कहते हैं जल्दी से 120 पे कॉल करो, एम्बुलेंस बुलाओ, ये बंदा काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है। एंड ये भाई काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है कि ये तो बड़े जल्दी मर चुका है। एंड तभी सीन हमारी शिफ्ट होती है, एक आसमान में क्रैक दिखाया जाता है एंड इसके पीछे रहता है हमारा मेन कैरेक्टर और जिसके पास उसके मोबाइल फोन भी आ चुके हैं। मेन कैरेक्टर यहाँ पे फ्लोट हो रहा है एंड उसको कुछ होश नहीं है। एंड तभी उसके मोबाइल फोन में कोई चीज इंटर होती है एंड परसेंटेज उसमें बढ़ना शुरू हो जाता है। एंड मेन कैरेक्टर यह पूछता है कि यहाँ पे बोल कौन रहा है, कौन है यहाँ पे आजू बाजू। एंड तभी दिखाई देगा एक स्पेस बीस्ट को जो कि वहाँ पे आते हुए दिखाई देता है। एंड तभी देखा जाएगा स्पेस बीस्ट जो रहेगा अपने क्रैक से बाहर निकल आता है एंड भाई जो मेन कैरेक्टर है उस जगह पे वो आने लगता है। एंड मेन कैरेक्टर के पास जो है वो पहुंच जाता है ताकि कि उसकी हेल्प कर सके। एंड मेन कैरेक्टर भी ये देख के कि यहाँ पे चल क्या रहा है, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एंड दूसरी तरफ वही जो स्पेस बीस्ट रहता है हमारे मेन कैरेक्टर में कुछ उसकी जो मोबाइल फ़ोन रहती है उसमें भी कुछ कर देता है। एंड भाई मेन कैरेक्टर के मोबाइल में यूँ समझो सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया है। एंड मेन कैरेक्टर को देखता है कि इसकी अभी हालत कैसी है। एंड तभी जो पोर्टल होते हैं, जो क्रैक्स होते हैं, वो समझो ब्लैक होल बन जाते हैं, अपने अंदर सारी चीज़ें खींचना शुरू कर देते हैं। एंड बीस्ट देख के हैरान हो जाते हैं कि ये तो दैट स्टार बन गया है, मेरे को जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। एंड जैसे ही हमारा बीस्ट जो रहता है वो मेन कैरेक्टर को पकड़ता है एंड यहाँ से बाहर निकल जाता है और दूसरे किसी और क्रैक से। एंड तभी सीन शिफ्ट दिखाया जाता है एक माउंटेन के ऊपर एंड जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ होती है एंड यहाँ पर एक क्रैक ओपन होता है एंड इस क्रैक के जो क्रैप रहता है उसके अंदर से हमारा मेन कैरेक्टर बाहर निकलता है। एंड तभी हमारे सीन शिफ्ट होती है स्नो फील्ड डिजास्टर डिपार्टमेंट की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे चारों तरफ लोग जो रहते हैं हमारे सोल्जर्स वो नज़र रखे रहते हैं कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्ल्ड है इसमें कई सारे बड़े बड़े बीस्ट जो रहते हैं वो घूमते रहते हैं। एंड तभी उसमें से एक सोल्जर कहता है सर अभी हमने सेक्टर उस 9 में हमने देखा कि एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएसन हो रहा है, जल्दी से हमें वहाँ पर किसी को भेजना चाहिए। एंड कमांडर कहते हैं जी हाँ मैंने समझ गया, एक जल्दी से इमीडिएट लेवल की जो टीम है उसको वहाँ भेजा जाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पावर में फ्लक्चुएसन महसूस हो रहा है। एंड वो स्पेस बीस्ट हमारे मेन कैरेक्टर के चारों तरफ घूमता रहता है। एंड तभी यहाँ पे जो स्नो डॉग कह सकते हो वो आ जाते हैं यहाँ पे एंड हमारे जो उल्फ रहता है इन सारे स्नो डॉग के देख के ही उनको डरा के भगाने लगता है, लेकिन सारे स्नो डॉग जो रहते हैं वो भागते ही नहीं हैं एंड मेन कैरेक्टर की तरफ आने लगते हैं।
लेकिन वो जो रहता है पहले उस स्नो डॉग को देखता है एंड फिर जो अपना हुलिया रहता है वो अपना चेंज करने लगता है एंड स्नो डॉग भी लाइक भाई ये क्या हो रहा है हमारे सामने सामने अभी जो ये बीच था वो हमारे जैसे ही चेंज हो गया एंड काफ़ी ज़्यादा गुस्से होते अरे अरे ऐसे कैसे हो सकता है ये तो चीटिंग है भाई एंड ये सब देखने के बाद वो लोग भाग जाएंगे कि भाई भूत तो नहीं आ गया है एंड फिर थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पे टीम पहुँच जाती है एंड वो कहते हैं यहाँ की सारे चारों जो चीज़ें हैं उसको सर्च किया जाए देखो कोई विक्टिम ना मिल जाए एंड ये लोग रहते हैं डिजास्टर रिलीफ टीम जो कि किसी को भी डिजास्टर से बचाते हैं एंड तभी एक जो पर्सन रहता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देख लेता है एंड अपने टीममेट्स को बुलाता है कि जल्दी आओ यहाँ पे हमें कोई मिला है तो हमें इसको देखना पड़ेगा एंड बाकी कहते हैं कि देखो ये जिंदा है या फिर नहीं जिंदा है एंड सब लोग उसको चेक करने लगते हैं एंड तभी कहेंगे कि इसकी जो बॉडी है काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुकी है लेकिन ये बंदा जो है अभी भी जिंदा है एंड इसी के साथ वो एक सोल्जर कहता है कि तो बच्चे तुम ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लकी हो कि तुम ये यहाँ पे कोई मॉन्स्टर ने खा नहीं लिया वरना सेंटीपीड तो यहाँ पे ऐसे ही खा लेते हैं एंड कहते हैं लगता है ये जो डॉग है इसका कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिचुअल बीस्ट है दैट्स वाई ये इसके प्रोटेक्शन कर रहा था अगर इसका चारों तरफ देखा जाए एंड इसकी बॉडी जो है काफ़ी ज़्यादा हर्ट है तो भी ये ठीक ही हो जाएगा एंड मेन कैरेक्टर यहाँ पे अपनी आँखों को खोलता है एंड कहता है एक मिनट मैं यहाँ पे कहाँ पे आ चुका हूँ मेरा जो ब्रेन है काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है एंड तभी ब्रेन के अंदर जो है कई सारी मेमोरीज फिलअप होने शुरू हो जाती हैं तो आप लोग समझ गए होंगे कि मेन कैरेक्टर अपने वर्ल्ड से मर के जो है यहाँ पे आ चुका है एंड उसी के साथ मेन कैरेक्टर कहता है ये जो सारी मेमोरीज है ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा ब्लर दिख रही है उन्हें ऐसा लग रहा है ये सारी मेरी मेमोरी है अगर मैं चारों तरफ देखूँ तो शायद से मैं जो हूँ ट्रांसमाइग्रेट हो चुका हूँ यानी कि भाई मैं दूसरे वर्ल्ड में आ चुका हूँ एंड इसी के साथ तो भाई अब मेरा चीट कहाँ है जल्दी से मेरा जो चीट है वो आ जाए लेकिन भाई चीट तो यहाँ पे आता ही नहीं बाकी सोल्जर कहते लगता है ये गाय जो इंसान है काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट नहीं है एंड कहते कहीं इसके दिमाग पे तो चोट नहीं लगी है कमांडर भी लाइक क्या ही बोलूँ अब इसमें तभी एक सोल्जर आता है कहते कमांडर यहाँ पे इस बंदे की जो आइडेंटिटी है वो कन्फर्म हो चुकी है इस बंदे का नाम जू कियान है जो कि यहाँ के जो यूनिवर्सिटी है वहाँ का एक टॉपर बच्चा है जिसकी एज 18 है मेल जेंडर है एंड इसी के साथ यूनजाओ सिटी में रहता है एंड काफ़ी बढ़िया कॉलेज में पढ़ता है एंड टॉपर भी है एंड भाई कमांडर ये पढ़ के कहता है वाओ ऐसे बच्चा जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एंड पावरफुल है तो भाई इसकी अगर हम प्रोटेक्शन करें तो काफ़ी कुछ हमें पॉइंट मिलेगा एंड रैंक और अप होगी तो कहेंगे ठीक है बच्चे तुम टेंशन अपनी मत लो हम तुम्हें जो है यहाँ से बचा के बाहर ले जाएंगे एंड तुम्हें अच्छे से तुम्हारे घर पर पहुँचा देंगे एंड मेन कैरेक्टर को भी बताया जाएगा कि यहाँ पर सेंटिफिट है तो बच के रहो एंड तभी मेन कैरेक्टर भी लाइक अपने पीछे तो देखो क्या आ चुका पीछे देखो पीछे एंड कमांडर भाई पीछे देखते हुए कहते ये और कोई नहीं ये नाइटमेयर विच बैरिस है तो मैं इससे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं क्योंकि ये तब तक हम पे अटैक नहीं करेगी जब तक हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले हैं ये बस हमारे सिटी को प्रोटेक्ट करने की काम करती है यानी कि ये बीस्ट भी इन्हीं की साइड है जो कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था एंड मेन कैरेक्टर यहाँ पे ये सोचता है मेरे को शुरू में बताया गया था यार मैं तो ट्रांसमाइग्रेट हो चुका हूँ एंड भाई ये पेन भी कोई धोखे वाला नहीं है असली का पेन लग रहा है पूरी बॉडी जो है दर्द हो रही है सपना भी नहीं हो सकता है तो भाई अगर मैं ट्रांसमाइग्रेट हो चुका हूँ एंड सच में मैं किसी और के बॉडी में आ चुका हूँ तो फिर क्या हो गया मेरे को एंड फिर अपना जो फोटो रहता है उसको देखता है एंड कहता वाओ मैं अभी भी भाई उतना ही हैंडसम हूँ जितना पहले था तो कोई बात नहीं एंड उसी के साथ जो है स्नोफील्ड एकेडमी का स्टूडेंट का आईडी कार्ड मेरा हुआ अब जो मेमोरी मेरे को मिली है तो मतलब कि मैं काफ़ी ज़्यादा फेमस स्कूल का स्टूडेंट हूँ जो कि नॉर्थन साइड में रहता है तो भाई अब देखते हैं कि मेरे पास क्या क्या है एंड तभी टीवी पे न्यूज़ आएगी कि काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज़ होने लगी है बड़े बड़े सेंटीपीड आने लगे हैं एंड कई सारी क्रैक बढ़ने लगे हैं एंड भाई हमारा मेन कैरेक्टर टीवी न्यूज़ देखते कहेगा एक मिनट ये मॉन्स्टर तो सुबह हमने देखा तो वही है एंड फिर कहता एक मिनट उसके पीछे तो एक लड़की भी खड़ी है ये कौन है एंड टीवी पर बताया जाएगा जो है यहाँ पे और बड़े बड़े जो है वो पोर्टल्स ओपन होने लगे एंड मेन कैरेक्टर यहाँ पे ये परेशान रहेगा कि ये लड़की हो कौन सकती है एंड तभी बताया जाएगा कि इनकी मेमोरी के हिसाब से कि ये यहाँ पे जो है स्पिरिट ट्रेमर रहते हैं जो कि स्पिरिट को ट्रेम कर सकते हैं एंड उसी के साथ जो है स्पेशल और यूनिक स्पिरिट बीस्ट भी होते हैं इस वर्ल्ड में जिसको कॉन्ट्रैक्ट करके बुलाया जाता है अगर तुमने किसी भी स्पिरिट बीस्ट को जो है टेम कर लिया है तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा जिसकी वजह से अब तुम कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो
कोई भी काम उनके साथ कर सकते हो। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा कि मैं अभी तक इतना ज़्यादा कमज़ोर इसलिए था क्योंकि मैंने आज तक जो है कोई भी स्प्रिट भी इसको टेम नहीं किया है। तो कोई बात नहीं यार, अब मेरे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो अब मैं नई स्प्रिट भी इसको टेम करूँगा। एंड भाई इन द फ्यूचर इस वर्ल्ड पर मैं जो हूँ राज करने वाला हूँ। एंड तभी यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आपका जो कमांड है वो पूरा हो चुका है। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक एक मिनट, ये आवाज़ कहाँ से आ रही? फिर से आवाज़ आ रही जो कि मैंने स्पेस में सुनी भी थी। एंड फिर कुत्ते की तरफ देखते हुए कहता है, एक मिनट, मेरे को पता है तुम ही बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना यहाँ पे तुम्हें परमिशन नहीं है, बिना मेरी इजाज़त के तुम बोल सकते हो। एंड उसी के साथ कुत्ता भाई कहता, मैंने तुमको भाई प्रेज नहीं किया तो भोगो मत। एंड तभी जो मोबाइल फ़ोन रहती है वो उसके जेब से बाहर गिर जाती है। एंड मेन कैरेक्टर देखता है, एक मिनट, मोबाइल फ़ोन में क्या है? एंड उठा के देखता है, 99%, इसका मतलब क्या है? एक वही चीज़ है जो मैं अपने वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में ला चुका हूँ। एंड ये 99% क्या दिखा रहा है? एंड तभी दिखाया जाएगा कि सिस्टम जो है सक्सेसफुली लोडेड हो चुका है। एंड आपको होस्ट बनाया गया सिस्टम का जूकियान। एंड आपकी रेस ह्यूमन है। एंड आपको जो है कई सारी स्किल मिलेगी, लेकिन अभी के लिए आपको जो है थोड़ी सी स्किल मिली गई है कि आप बीस्ट की लैंग्वेज को समझ सकते हैं। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक ये हुई ना सिस्टम, अब मेरे पास सिस्टम आ चुका है, तो अब मैं जो इस वर्ल्ड के ऊपर राज करने वाला हूँ, अब ये मेरा चीट कोड होगा, अब मैं इस वर्ल्ड का नया गॉड बनने वाला हूँ। एंड फिर दिखाया जाएगा कि अपने जो डॉग रहता है उसके साथ बातें करना शुरू कर देता है कि यार मेरे को तो एक नॉर्मल सी स्किल मिली है, तो क्या इसका मतलब कि मैं इस डॉग के साथ बात कर सकता हूँ? एंड कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, पहले मैं स्पीड ट्रेमिंग करने की कोशिश करता हूँ, शायद से मैं इस डॉग के साथ टेम होकर और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँ। फिर कहेगा, आ जाओ मेरे पास। एंड डॉग को भाई पकड़ लेगा। एंड डॉग भाई चिल्लाता रहेगा, अरे छोड़ दे मेरे को, छोड़ दे। लेकिन भाई जो स्पीड ट्रेमिंग होगी वो यहाँ पर कम्प्लीट हो जाती है। एंड दिखाया जाएगा कि कांग्रेस होस्ट, आपने कंप्लीट कर लिया पहला मिशन, तो आपको कैमरा फंक्शन भी अनलॉक किया गया है, तो आप कैमरे फंक्शन का भी यूज़ कर ही सकते हैं। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, ओके भाई स्प्रिट भी टेमर इतना ज़्यादा इजी होता है। और डॉग भी लाइक, यार मेरी इज्जत लूट ली इसने तो। एंड फिर दिखाया जाएगा, वैसे मेरे बॉडी में कोई भी चेंजेस तो दिखाई नहीं दे रहे, तो अभी क्या होगा? लेकिन अगर अपना सिस्टम में देखें तो दिखाया जाएगा न्यूबी स्पीड टेमर आ चुका है। एंड इसी के साथ आपने स्पीड बीज बना लिया जो कि स्नो उल्फ है, जो कि फेक है। एंड मेन कैरेक्टर कहेगा, लेकिन हमारे जो इन्फॉर्मेशन वो तो चेंज हुई है, तो देखते हैं कैमरे का नया फंक्शन क्या, उससे क्या भाई। डॉग भाई सीधा खड़े, एक फ़ोटो सेल्फी, स्माइल प्लीज़। एंड एक सेल्फी ले लेता है। एंड सेल्फी में वो जो स्पीड बीज रहती है वो पूरी तरीके से दिखाई देती है। एंड मेन कैरेक्टर देख के, एक मिनट, ये तो स्पेस बीज है, इसको तो मैंने उसी टाइम देखा था जब मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर थी, तो मतलब कि तुम ही जो हो मेरे को यहाँ से लेके आए हो, जो कि मेरे मेमोरी से मेरे को याद आ रहा है, और इसलिए तुम मेरे को पसंद करते थे, दैट्स वाई जो है तुम मेरे दोस्त बन चुके, मतलब स्पिरिट टेमर बन चुके हो। एंड डॉग भी लग हु कहेगा, अरे चुप रहे, बगल में चिल्ला मत, बगल वाले उठे जाएंगे। एंड फिर दिखाया जाएगा, और तू यहाँ पर आ चुका है, अब तू अपने जगह पर नहीं जा सकता है। एंड इसी के साथ यार क्या चल रहा है, मैं इस कुत्ते की लैंग्वेज बोल रहा हूँ? वैसे भी मैंने इसके साथ जो है कांटेक्ट बना ही लिया है, तो टेंशन मत लो मेरे दोस्त, मैं तेको इन द फ्यूचर हेल्प करूंगा। एंड तेको जहां पे जाना वहां पे पहुंचा के रहूंगा। एंड डॉग भी लाइक वो 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 वो। एंड भाई हमारा मेन कैरेक्टर, अरे ठीक है बस हो गया बहुत, अब मैं अपना जो हैंड स्किल मेरे को मिली है मैं उसका यूज़ करूँगा, एंड मैं तेरी पावर को बढ़ाने वाला हूँ। वैसे भी बताया जाएगा कि यहाँ पे कई सारे स्प्रिट बीस्ट होते हैं जिनका अलग अलग लेवल होता है, एंड उसके अंदर अलग अलग क्वालिटी रहती है। एंड मेन कैरेक्टर को हैंड स्किल मिली है जिसकी वजह से वो किसी भी बीस्ट की जो क्वालिटी है उसको बढ़ा सकता है। एंड कहता, अगर इसी क्वालिटी मेरे को मिली है तो भाई अगर देखा जाए तो ये काफ़ी बढ़िया है। वैसे भी डॉग को ऐसे 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 छूने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा मुलायम है, तो मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। लेकिन यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, मैं यहाँ पे थकते हुए जा रहा हूँ। एंड दिखाया जाएगा हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे बेहोश हो जाता है क्योंकि सारी एनर्जी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। एंड तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है एंड क्रैक की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे एक क्रैक हुआ था, एंड जहाँ पे दो पहले से स्प्रिट बीस्ट खड़े रहते हैं एंड उनके ऊपर एक और लड़की खड़ी रहती है। एंड तभी उसमें से जो वाइट वाला स्प्रिट बीस्ट रहता है वो कहता है, मैं फील कर सकता हूँ इस क्रैक के पीछे जो है काफ़ी बुरा चीज़ हो रहा है, मेरे को लग रहा है काफ़ी कुछ इस दुनिया में बदलने वाला है। एंड लड़की भी लाइक, हाँ कुछ
तो हो सकता है। तो दिखाया जाएगा कि उस डायमेंशन के पीछे जो है एक नर्व्स की ऐसे वेंस बनी रहती है जिसको बबल्स बोल सकते हैं या फिर एक बॉल की तरह बनी रहती है एंड उसमें से एक डीमन जो है वो बॉर्न होती है एंड बाहर निकलती है। तो देखते हैं इन द फ्यूचर क्या होने वाला है। एंड देन नेक्स्ट सीन अपनी शिफ्ट होती है कॉलेज की तरफ यानी मेन कैरेक्टर यहाँ पे पहुँच चुका है एंड पहले अपने नोटिफिकेशन चेक करता है कि न्यू मिशन मिला है। आप अपने स्पीड 20 को जो है रैंक 2 पे पहुँचाए जिससे आपकी स्पीड अब्जॉर्प्शन स्पीड की जो रैंक है वो ओपन हो जाएगी एंड आपका स्पीड 20 जो है काफ़ी ज़्यादा पहले से पावरफुल हो ही जाएगा। एंड ये सब देखेगा कहेगा वाओ अगर मैं इसकी फ़ोटो नहीं लेते तो मेरे को ये सारी चीज़ें पता नहीं चलती एंड काफ़ी कुछ मेरे को इसके बारे में अब तो पता ही चल चुका है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको एवोल्यूशन कराना पड़ेगा लेवल 2 पे जाना पड़ेगा और मेरे को काफ़ी कुछ आइस क्रिस्टल चाहिए और काफ़ी कुछ चाहिए जिसकी वजह से मैं इसको इवॉल्व कर सकूँ। लेकिन मेरे पास तो गॉड हैंड है तो भाई सोल एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं, मैं इसको काफ़ी ज़्यादा जूंगा। लेकिन लास्ट टाइम मैं बेहोश हो गया था क्योंकि मेरे अंदर की जो सोल एनर्जी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। तो इन द फ्यूचर इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। एंड तभी पीछे से एक लड़की आती है कि अरे 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 क्या देख रहा हूँ फ़ोन में। हाँ एंड तभी जो रहेगा हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे नहीं 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 मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ भाई, थोड़ी तो पीछे रहे मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। कहेगी एक मिनट मेरे को तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। एंड ये जो लड़की रहती है इसका नाम जो है यून याओ है, हम लोग इसको यून बोलेंगे, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के जो फादर थे उनका एक दोस्त था उनकी ये बेटी है तो इसलिए दोनों दोस्त रहते हैं बचपन से। एंड कहती एक मिनट मेरे को तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है, क्या छुपा रहे हो तुम में से। एंड तभी दिखाया जाएगा उसके हाथ से मोबाइल फ़ोन को छीन लेती है एंड फिर देखती है एक मिनट तुम क्या है ये। एंड मेन कैरेक्टर भाई यहाँ पे रहा जाता है एंड कुछ कर ही नहीं पाता है एंड फिर कहते हैं एक मिनट तुम कुत्तों को लाइक करते हो। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी नहीं नहीं है मैं कुत्तों को नहीं लाइक करता। एंड लड़की कहती है मेरे को लगा नहीं था तुम इतने बड़े परवर्ट हो गए इस कुत्तों को लाइक करें। कहेगा नहीं नहीं ये रहा मेरा कुत्ता ये सामने है, ये कुत्ता है इसकी फ़ोटो थी, ये अब मेरा जो है स्प्रिट बीस्ट बन चुका है। एंड कहता है यार लकली जो है सिस्टम जो हाइड कर दिया कि वो रियल फेस को नहीं देख सकती है एंड सिस्टम के फंक्शन को नहीं देख सकती वरना मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। एंड फिर कहती है ओ मैंने सुना था कि तुम स्नो फील्ड में गए हो एंड वहाँ पर डायमेंशनल क्रैक ओपन हुआ था, तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं तो बस ऐसे ही गिर गया था बेहोश हो गया था, बस थोड़ी मोड़ी चोटें लगी और कुछ नहीं हुआ यार, सब कुछ मजा आया। एंड कहती वाह इतने खतरनाक जो है इंसिडेंट हो गया तुम इस पर भी हंस रहे हो। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं मैं हंस नहीं रहा बस मैं बता रहा हूँ। फिर डॉग का नाम बताया जाएगा, डॉग का नाम ये लोग ई हा रखते हैं तो डॉग को हम लोग डॉग ही बोलेंगे। एंड उसी के साथ मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा ठीक है तो और बताओ अभी यहाँ पे आजकल क्या चल ही रहा है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यार कुछ नहीं बस मैं क्या तुम्हारे कैट की जो है मतलब जो फॉक्स है उसका फ़ोटो ले सकता हूँ क्या। एंड कहती है ले लो भाई। एंड फिर हमारा मेन कैरेक्टर भाई फ़ोटो लेता है एंड इसको बाकी की जो इन्फॉर्मेशन होती है उस फॉक्स के बारे में पता चल जाती है एंड काफ़ी बढ़िया है। एंड मेन कैरेक्टर देखेगा कहेगा अच्छे नहीं हो मैं कुछ बोलूँगा, बोलेगी क्या बोलना है। एंड दिखाया जाएगा कि कहेगा कि तुम्हारी जो फॉक्स है वो ऐसा कैसे कांड कर सकती है, ये ऐसे तुम्हारे घर वालों ने कैसे सिखाया। एंड भाई फॉक्स भी लाइक क्या डांसिंग कर रही है, ये पोज दे रही है वो पोज दे रही है। एंड ये सब जो रहेगा वो हमारी हीरोइन ये सब देख के कहेगी अरे 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 नहीं नहीं वीडियो डिलीट करो, ऐसे ऐसे नहीं करते वीडियो डिलीट करो। एंड मेन कैरेक्टर भी नहीं 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 तुमको तो अब मोबाइल फ़ोन नहीं मिलने वाला है एंड तुम कुछ भी करो। एंड यून बेचारी परेशान हो जाती फिर कहेगी अरे अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं। हाँ तो अभी हम लोग बात करते हैं कहाँ पे थे हम लोग। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक तो तुमने काफ़ी कुछ जान लिया है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अपने स्पीड बीस को जो है किस तरीके से अपग्रेड कर सकता हूँ 2 स्टार पे जो कि मैंने अभी कल ही टेम किया हो। एंड लड़की भी लाइक अरे तुमने टेमर कर लिया तो तुमने इस डॉग से जो है टेम किया है, मैंने कभी भी ऐसे स्पीड बीस्ट को देखा नहीं है। वैसे तुमको पता होगा कि ये जो है स्नो डायर उल्फ है एंड स्नो डायर उल्फ मतलब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर बीस्ट होते हैं, कोई भी इनको टेम नहीं करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, मैंने इसकी वजह से सर्वाइव किए तो इसलिए मैंने टेम कर लिया, क्यों प्रॉब्लम हो रही है तुमको। एंड यून भी लाइक अरे तुम्हें पता नहीं है हर एक उल्फ की जो पर्सनालिटी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए सही नहीं होती है एंड हर उल्फ पावरफुल नहीं होते हैं, मोस्टली जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं अपने कंपेनियन स्किल की वजह से। एंड वैसे भी काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है कि किसी स्नो उल्फ ने कभी भी अवेकन किया है तो भाई मोस्टली कोई भी इसको जो है अपना स्प्रिट बीस्ट नहीं बनाता है। एंड देन हमारा मेन कैरेक्टर
कैरेक्टर भी लाइक ये कंपेनियन बीस स्किल क्या होती है, क्या होती है थोड़ा मेरे को समझाओ भी, तो बताया जाएगा। देखो कंपेनियन बीस स्किल क्या होती है कि अगर तुम्हारा कंपेनियन एंड तुम्हारे बीस्ट जो रहते हैं दोनों आपस में मिल जाए, काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन जाता है, तो जो तुम्हारी सोल एनर्जी होती है तुम अपने बीस्ट को दे सकते हो। एंड जितना ज़्यादा तुम सोल एनर्जी दोगे बीस्ट उतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ हो ऐसा होता है, मेरे को तो अब भी पता चला है। एंड फिर कहते हैं अच्छा एक मिनट, तो मेरे पास तो सिस्टम है, मैं कितने भी जाऊँ सोल एनर्जी दे दूँ मेरे लिए तो लकी होगा। अगर देखा जाए तो न्यू जो टेमर होते हैं उनकी सोल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है, लेकिन स्प्रिट भी अगर पावरफुल हो तो सारी सोल एनर्जी को खींच लेंगे एंड टेमर भी लाइक खत्म गया बाय बाय टाटा। बट अगर देखा जाए कि टेमर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है स्प्रिट भी पावरफुल है तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, लेकिन स्प्रिट भी कमज़ोर है टेमर पावर है तो भी स्प्रिट भी काफ़ी कुछ आ जाएगी। एंड उसी के साथ तुम्हारी जो सोल एनर्जी है वो एक गेम के एम पी की तरह काम करती है, तो जिस तरीके से तुम्हारी सोल एनर्जी बढ़ेगी तो तुम्हारा बीस्ट उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा। एंड मेन कैरेक्टर पूछते तो ये बताओ मैं अपनी सोल एनर्जी कैसे बढ़ा सकता हूँ, तो वो कहती है देखो तुम अपने जो बीस्ट को टेम किए हो तुम उससे अपनी सोल एनर्जी वापस ले सकते हो जिसकी वजह से तुम्हारी सोल एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि बीस्ट मोस्टली पावरफुल हो नहीं सकते, तो इसलिए कुछ लोग जो है ट्रीजर के यूज़ करते हैं, कुछ लोग सोल एनर्जी के आइटम्स को यूज़ करते हैं एंड कुछ लोग के पास अपना अपना तरीका होता है जिसकी वजह से उनका जो स्पिरिट बीस्ट की जो सोल एनर्जी होती है उसको बढ़ा सकते हैं। टेमर की भी सोल एनर्जी बढ़ी जाती है एंड यही एक तरीका होता है। एंड वैसे भी देखा जाए तो इस सब कुछ डिपेंड करता है कि इस उस कौन से रेस का है, उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर क्वालिटी बढ़िया होगी तो भाई वो पावरफुल होगा, क्वालिटी कमज़ोर होगी तो बेकार होगा, तो दैट्स वाई क्वालिटी होनी चाहिए एंड नेचुरल बोर्न टैलेंट भी होना चाहिए। अगर कोई बीस्ट उसके पास टैलेंट है एंड भाई क्वालिटी कितनी भी बढ़िया हो टैलेंटेड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ, तो मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी पॉइंट बनाओ पॉइंट बनाओ बनाओ। कुत्ता भी लाइक हाँ मैं भी ये सीख लेता हूँ फ्यूचर में तो काम ही आएगा। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है, अगर देखा जाए तो मेरे पास स्किल है मैं कितना भी इसका बढ़ा सकता हूँ लेकिन मेरे पास एनर्जी नहीं है तो मेरे को अपना खुद बढ़ाना पड़ेगा। एंड देन बोलती अच्छा जू तो तुम ये बताओ तुम इसको 2 स्टार पर अपग्रेड करना चाहते हो ना, तो क्यों ना एक बार फाइट हो जाए हम दोनों के बीच में, देखते हैं तो क्या पता तुम्हारे बीस्ट को थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाए फाइट करने का। एंड यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है भाई तुम्हारी फॉक्स जो है हमारे डॉग से काफ़ी ज़्यादा पावर में ज़्यादा है तो हम फाइट भी कैसे कर सकते हैं। एंड इसी के साथ मन में ये भी सोचता है कि अगर देखा जाए फॉक्स जो है 4 स्टार पे है मेरा 1 स्टार पे, अगर फाइट के काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन हमारी जो यू है ये बोलती है कि टेंशन मत लो मैं अपनी पावर थोड़ा सा यूज़ करूँगी, रॉन्ग रॉन्ग रेडी हो जाओ फाइट के लिए। एंड हमारी रॉन्ग रॉन्ग आगे बढ़ जाती है फाइट के लिए, बिल्कुल ये पोकेमोन की फाइट की तरह होने वाला है बिल्कुल जैसा कि आपने देखा ही होगा। एंड इधर से हमारा डॉगी भाई आगे आ जाता है अपना फाइट करने के लिए, दोनों लोग अब आमने सामने आ चुके हैं। पहले डॉगी भाई अपने रॉन्ग रॉन्ग को देखता है ये तो इतनी ज़्यादा छोटी है, फिर हमारी जो हीरोइन है वो सोचती है कि अगर देखा जाए तो स्टार फोर्स जो है उसकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फास्ट है लेकिन इनका डिफेंस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है, अगर इसी स्प्रिट बीस्ट का एक भी क्लॉ लग गया तो इनकी चमड़ी फट जाती है एंड ये मर जाते हैं, तो दैट्स वाई सबसे पहले हम करेंगे कि इस डॉग का जो है विज़न को ब्लॉक करो, तो अपना शैडो अटैक करो एंड विज़न को ब्लॉक कर दो। एंड भाई हमारी रॉन्ग रॉन्ग जो है अपना अटैक यहाँ पे प्रिपेयर करने लगती है एंड डायरेक्टली अटैक शुरू कर देती है डॉग के ऊपर। अब भाई डॉग ये सब तो देख के रह ही नहीं सकता भाई, वो सिर्फ गुस्सा कर रहा है कि अब यहाँ पे मैं अटैक क्या करूँ। एंड पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे बेवकूफ़ कहीं के जल्दी से उसको डॉज करो एंड आइस ब्रीथ का अटैक करो क्योंकि तुम भी एक स्नो डॉग हो भूल मत जाओ। एंड भाई हाँ हाँ मैं क्या सोच रहा था डॉग भी लाइक, एंड फिर डॉग भी हमारा यहाँ पे रेडी हो जाता अपना अटैक तैयार करने के लिए एंड सीधा अपना अटैक कर देता है स्नो का। लेकिन जैसे कि आपको पता है रॉन्ग रॉन्ग और हमारे डॉगी का दोनों का अटैक आपस में टकराता है एंड फिर यहाँ पे विजन जो होता है एक्चुअली ब्लॉक हो जाता है क्योंकि दोनों अटैक टकरा के धुएं आ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भाई ये क्या हो गया है, एंड हीरोइन भाई अब तो खुश हो गया अब यही तो चाहिए था। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर कहता अरे यार कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ है अभी तक कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मिला और अभी से तुम इंजर्ड हो चुके हो किसी काम के नहीं हो। एंड हमारी यून कहती है कि अरे अरे जाओ तुम कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो तुम्हें नहीं पता कि रॉन्ग रॉन्ग की स्पीड कितनी ज़्यादा है तुम इसको नहीं डॉच कर सकते। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी डॉग भाई जल्दी से इसको डॉच कर एंड अपना क्लॉ को यूज़ कर उसको मारने के लिए, एंड डॉग भी अपना रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए।
लेकिन दिखाया जाएगा कि उसको गुस्सा आ जाएगा तो अपने ट्रू फॉर्म को लाने लगता है जो कि स्पेस बीस्ट वाला रहता है। एंड ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर जाके डॉगी को पकड़ लेगा, कहेगा अरे अरे भाई रुक जा हम हार मानते हैं, हम लोग नहीं करने वाले, क्योंकि ये अपने रियल बॉडी को ले आता है। एंड भाई हमारी यून कहती है वाह 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 क्या बात है, लेकिन डॉग भाई वो 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 करना शुरू कर देता है। एंड फिर थोड़ा देर वेट करता है लेकिन फिर वो करना शुरू कर देता है कि भाई मैं हार थोड़ी ना मानने वाला हूँ। एंड हमारी यून कहती तो मान गए ना, मैं कितनी ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हारा कुत्ता लगता है पागल हो चुका है तो उसको जाओ दिखाओ। एंड तभी हमारी सीन शिफ्ट होती है कि हमारे दोनों बंदे अपने क्लासरूम की तरफ जाते हैं। एंड मेन कैरेक्टर भाई देखता है कि अभी डॉग की इतनी सारी स्किल है, मेरी भी इतनी सारी स्किल है, लेकिन इसका अभी कोई भी अनलॉक नहीं हुआ, तो मेरे को जो है जल्दी से इस सिस्टम को अनलॉक करने के लिए मेरे को जल्दी से इसको लेवल 2 पे जाना चाहिए, अगर मैंने अनलॉक कर दिया तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। वैसे भाई इस कैरेक्टर का मीनिंग क्या होता है मेरे को पता भी नहीं है, जो कि इस डॉग की एक और एबिलिटी हो सकती है। क्लासरूम में बैठते हैं तो यहाँ पे हमारे क्लास टीचर की एंट्री होती है, बोलते तुम लोग का वेलकम है यहाँ पे इनरोल करने के लिए। एंड तुम लोग को बताए कि तुम लोग यहाँ के बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे इनरोल किया तो आप लोगों को जो है क्लास में टेस्ट के द्वारा तुम सब में एक कंपटीशन होगा, क्योंकि नॉर्थन एरिया में कई सारे डेंजरस चीज़ें बढ़ चुकी हैं। एंड हर एक को यहाँ तक फ्रेशर लोग को भी मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि वो डेंजर में जाके फाइट कर सकते हैं। एंड बाकी लोग बात करेंगे यार डेंजर के अंदर तो मॉन्स्टर्स होते हैं, हम लोग तो अभी घुस ही नहीं सकते, हमने ये मेज़र क्यों लिया, हम तो फाइटिंग वाला मेज़र लिए होते तो वहाँ से कुछ सीख भी लेते, अब हमें कुछ आता भी नहीं है। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक यार मैं दूसरी दुनिया में आ गया फिर भी मेरे को मिलिट्री ट्रेनिंग करनी नहीं पड़ेगी। एज यू नो आपको अभी भी जापान और चाइना में 18 उम्र होने के बाद जो है मिलिट्री ट्रेनिंग करनी पड़ती, तो वही बात यहाँ पे कह रहा है। लेकिन हमारे टीचर कहते हैं देखो मैं तुम लोग के ऊपर सारी चीज़ें ऐसे नहीं कर रहा हूँ, तो तुम लोग एक ग्रुप बना सकते हो एंड एक हफ्ते का टाइम मिलेगा रेडी होने का। एंड मेन कैरेक्टर ये सुनकर वाह ग्रुप बनाना है, तो बस मेरे को किसी ऐसे पावरफुल को खोजना है जो कि मेरे को अपने ग्रुप में लेके सब कुछ अपना काम कर दे एंड मैं पीछे पीछे बैठा रहूँगा, जैसा कि आप लोग सोचते हैं कि कुछ करना ना पड़े। एंड सीधा पहुँच जाता है यून के पास, अरे यून क्या मेरे साथ ग्रुप बनाओगे? एंड यून भी लाइक हाँ बना तो लूँगी, लेकिन तुम ये रॉन्ग का पैर क्यों पकड़े हो? कहेगा कुछ नहीं बस ऐसे ही मज़े आ रहे हैं। एंड उसके बाद कहते यून कहती है कि देखा जाए तो तीन लोग मेंबर चाहिए ग्रुप में, तो फिर क्या करने वाले हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक टेंशन की लेती, अब भी गया पकड़ के ले आया एक बंदे को। एंड भाई क्लासरूम में सभी से पूछ लेता है, कोई भी यहाँ पे रेडी नहीं होता, एक बंदा अकेला बैठा रहता है तो वहाँ पे पहुँच जाता हमारा जू। एंड कहता भाई तू अकेला बैठा तेरा कोई दोस्त नहीं, क्यों ना तू मेरा साथ आ जाए मेरे ग्रुप में मिल जाए। लेकिन ये बंदा पूछ लेता भाई तेरी स्प्रिट बीस्ट क्या है? हमारा मेन कैरेक्टर पूछता तुम्हारी स्प्रिट बीस्ट कौन सी है? कहता मेरा जो है एक आइस स्नेक है जो कि 2 स्टार का है, तो अब तुम अपनी स्प्रिट बीस्ट बताओ तो हम जाके कुछ कर सकते हैं। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहता अरे अच्छा तो ठीक है मेरे पास जो है स्नो उल्फ है जो कि 1 स्टार का है, नॉर्मल रैंक का भी है। एंड ये बंदा जब देखेगा है ये स्नो उल्फ ये वाला है। एंड भाई ये बंदा अपने बाकी काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में हमारा स्नो उल्फ रहता है। एंड ये देख के उसके मुंह से खून निकल जाएगा, कहेगा मेरे को लगे तुम्हारा ये पेट होगा लेकिन तुम्हारा ये स्प्रिट बीस्ट है वो भी इतना ज़्यादा कमज़ोर, भाई मेरे को तुमसे टीम नहीं बनानी। कहेगा अरे भैया सुनो ना, मेन कैरेक्टर भी क्या कहेगा नहीं मैं आपके साथ टीम नहीं बना सकता, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या फालतू के लोग है यार, अगर टीम नहीं बनानी होती मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, पहले बोल दिया होता ना निकल यहाँ से साइड। एंड ये बोल के आगे बढ़ जाता है। एंड आगे बढ़ने के बाद कहता है कि सभी लोग कहेंगे कि अगर देखा जाए स्नो ड्रायर उल्फ की जो क्वालिटी होती है सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। एंड कभी कभी ये तो बात भी नहीं सुनते तो कौन ही इनकी टीम में जाएगा। एंड बाकी लोगों से भी हमारा मेन कैरेक्टर पूछेगा, एंड बाकी लोग भी अरे सॉरी हमारी एक टीम बन चुकी है तो हम आपके टीम में नहीं आ सकते। एंड इसी के तरीके से जितने भी लोगों के पास जाता है मेन कैरेक्टर सारे लोग जो होते भगा देते हैं। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक यार यहाँ पे चल क्या रहा है, मेरे स्नो उल्फ के साथ कोई टीम अप नहीं कर रहा है और यहाँ पे स्नो उल्फ भाई अब तो बेवकूफ़ों की तरह लग रहा है। एंड मेन कैरेक्टर भी बेवकूफ़ों की तरह हर एक बंदे से जितने भी क्लास में रहते हैं सबसे पूछने लगता है, लेकिन कोई भी यहाँ पे रिस्पॉन्स ही नहीं करता। एंड सब लोग भाई उससे दूर भागने लगते हैं। एंड मेन कैरेक्टर कहता है यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड तभी पीछे से एक बंदा कहता है कि तुम्हें पता नहीं है स्नो ड्रायर उल्फ जो होते सबसे ख़राब बीस्ट होते हैं, क्योंकि उनकी लोवेस्ट से भी ज़्यादा लोवेस्ट लेवल पर रैंक होती है। मेरे को पता नहीं तुम या तो पागल हो या फिर तुम गरीब हो, जो कि हमारा स्पीड बीट ऐसा एक उल्फ है। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक भाई क्या तूने एक बार क्या बोला, दोबारा बोल के तो दिखा।
तो मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या होने वाला है। एंड दूसरा बंदा बोलता है, अरे तुम्हें मेरी बातों का बुरा लग गया हो तो सॉरी बोलना चाहूँगा। एंड उसी के साथ तुम अफेंडेड मत हो जा भाई। एंड मेन कैरेक्टर यहाँ पे हमारा यून जो है वो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ के यहाँ से निकल जाता है। एंड सीधा अब क्लास में कोई भी सुनने वाला नहीं है, तो दैट्स वाई फिर से पहुँच जाता है जू के पास। एंड जू के पास एक बंदा आएगा, कहेगा हमारी टीम में एक बंदे की जगह खाली है तो आओगी क्या? जू भी लाइक भाई मेरे पास ऑलरेडी एक टीममेट है, तू निकल यहाँ से। एंड फिर यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर पहुँचेगा एंड कहेगा यार क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई भी हमारी टीम में आने को रेडी ही नहीं है। एंड हमारी जू कहती है कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि स्नो डायरोल्फ जो होता है वो कभी भी अच्छे क्रिएचर्स नहीं होते, दैट्स वाई कोई नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, हम दोनों आपस में ही टीम बना के अपना काम कर लेंगे। एंड हमारा यून भी लाइक अरे यार लेकिन ऐसा कैसे चलेगा, क्योंकि अभी जो है तुम्हारी स्पीड भी लेवल 5 पे पहुँच गई है और हमारी टीम में कोई आ ही वाला नहीं है, तो हम क्या ही कर सकते हैं। एंड इसी के साथ दिखा जाए एक और बंदा रहता है जिसको कई लोग जो रहते हैं अपने टीम में बुलाते हैं, लेकिन वो भी अब किसी के टीम में नहीं जाता है। एंड इसका भी स्पीड बीस्ट जो रहता है वो लेवल 5 का रहता है। एंड रेड हेयर वाला बंदा भी देखता है इसका एटीट्यूड है यार क्या, ये किसी के ग्रुप में नहीं जा रहा है। लेकिन फिर भी अब वो भाई जो पीले बाल वाला बंदा वो क्लास का पावरफुल बंदा है, तो दैट्स वाई कोई भी उससे पंगा लेने की बात नहीं करता है। एंड मेन कैरेक्टर भी देखता है कहेगा उसका भी स्पीड बीस्ट तो बढ़िया है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे को कोई भी रिग्रेट नहीं है कि मेरे साथ ये है, क्योंकि इसने स्पेस बीस्ट ने मेरे को मेरी जान बचाई है और इसकी क्वालिटी तो किसी को पता भी नहीं। अगर मैंने इसकी स्पीड ऑब्जर्वेशन वाली ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो ही जाएगा। एंड तभी हमारे जू से पूछता है तो बताओ हम लोग कब जाने वाले, कहाँ पे ट्रेन करने वाले हैं। देन हमारी जू कहती है टेमिंग हॉल होता है जहाँ पे हम लोग ट्रेन कर सकते हैं। एंड तुम्हें पता है अगर तुमने टेमिंग हॉल में जाके वहाँ पे ट्रेन किया तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। और उसी के साथ जो है तुम्हें पता नहीं है मैरथन ऑफर के तुम बेटे हो, तो दैट्स वाई तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फ्री हो जाएंगी। एंड इसी के साथ तुम्हें पता भी नहीं अगर तुम वहाँ पर जाके अपने डॉग का जो है 2 स्टार कर सकते हो एक हफ्ते के अंदर अगर ऐसी ट्रेनिंग कर लो। और हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक तो भाई रेडी हो जा, हम लोग चलने वाले ट्रेनिंग हॉल के अपने डॉग से, ये कहता है। एंड डॉग भी लाइक हु एंड ये बोलना शुरू कर देता है। एंड भाई मेन कैरेक्टर उसको चुप करता है, भाई क्लासरूम है, क्लासरूम में चिल्लाने का नहीं, तो कुत्ते की तरह क्यों बैठ रहा है। एंड कुत्ता भी लाइक अरे तुमने समझा ही क्या है मेरे को, मैं बहुत खास हूँ। एंड फिर दिखाया जाएगा इनकी सीन शिफ्ट होती है, ट्रेनिंग हॉल के अंदर पहुँच जाते हैं। एंड फिर कहते हैं भाई अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड दीजिए। एंड भाई हमारा मेन कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन कार्ड देते हैं एंड उनका जब नाम देखते कि ये तो मैथर के सन है, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुली कहते सर आप कोई भी फ्लोर यहाँ पर यूज़ कर ही सकते हैं। एंड जब भाई हमारा मेन कैरेक्टर फर्स्ट फ्लोर पे जाते कहेगा ये ट्रेनिंग हॉल है, कितने चुतिया बंदे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड हमारी क्यूइन बोलती है अरे टेंशन मत लो, ये तो फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे बेवकूफ़ लोग रहते हैं जो कि नॉर्मल ट्रेनिंग करते हैं, यहाँ के बाद आप सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे जा सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बीस्ट होते हैं, वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो दैट्स वाई जो है हम लोग ऊपर जाएंगे। एंड मेन कैरेक्टर कहेगा लेकिन यार मैंने यहाँ पे अभी क्या खोजा कि मैं कॉलेज में था एंड कॉलेज के बाद जो है मैं स्नो फील्ड पे क्यों गया था, मेरे को ये याद नहीं आ रहा है, अब इतनी मेमोरी तो है नहीं यार, मैं अपने आप से क्या छुपा रहा हूँ मेरे को पता भी नहीं चल रहा है। एंड तभी जो हमारी हीरोइन है वो पहुंच जाती है अपने ट्रेनिंग हॉल के पास, कहेगी अरे ओ सुनना इधर देख। एंड हमारा मेन कैरेक्टर को पकड़ के खींची, मेन कैरेक्टर कुत्ते को पकड़ के खींचता है, भाई पहुंच गए यहाँ पे। एंड तभी यहाँ पे हमारा ट्रेनर आ जाता है, कहेगा ओ मैंने तुमको याद है यार, तुम्हारा स्पीड भी पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर था लेकिन तुम तो काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर लियो, लेवल 4 पे पहुँच चुकी हो। एंड हमारी यून भी लाइक अरे नहीं नहीं वो तो बस एक लक था और हमारी भी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, दैट्स वाई ये काफ़ी आगे पहुँच चुकी है। एंड ट्रेनर कहता है वाओ काफ़ी बढ़िया है, तुम काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रही हो, तो अब तो काफ़ी कुछ तुम इन द फ्यूचर कर ही सकती हो। एंड हमारी यून कहती है नहीं नहीं मैं काफ़ी ज़्यादा लकी थी तो दैट्स वाई, तो यहाँ पर मैं इसलिए क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक बार फिर से ट्रेनिंग करना है। एंड फिर अपने मेन कैरेक्टर के यहाँ का स्कोर बोर्ड दिखाती है कि देखो वो थर्ड नंबर पे देखो जो कि मैं हूँ, अपना रिकॉर्ड बनाया 4 मिनट 46 सेकंड में यहाँ का ट्रायल को क्लियर किया है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, ऐसे कैसे कर लिया, कहती देखो यहाँ पे 200 जो होते पिक के मॉन्स्टर आते हैं एंड वो भी 2 स्टार के होते हैं, तो दैट्स वाई रॉन जो है 4 स्टार पे पहुंच चुकी तो ईजिली हरा देती है एंड कोई भी न्यू भी नहीं हरा सकता। एंड मेन कैरेक्टर भाई वाओ कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा जब लेवल 2 के मैं पिक से लड़ूंगा, वो भी 200, तो हम लोग करेंगे। एंड भाई कहता है कि चलो हम रेडी हो चुके हैं। ट्रेनर पूछता तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट स्पीड बीस्ट का है, एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक
तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ये सामने ही है। एंड भाई ट्रेन अभी, अरे सीरियसली तुम बोल रहे हो कि ये कितना ज़्यादा बुरा होता है, तुम्हें पता नहीं है 202 स्टार के पिक्स आने वाले हैं एंड तुम्हारा ये फर्स्ट स्टार का है। एक तो नॉर्मल है, कोई भी पावर नहीं होती है, सबसे लो रेस का कुत्ता है एंड तुम इससे फाइट करोगे तो इतनी डिफिकल्टी ट्रायल कभी भी पास नहीं हो पाओगे। एंड हमारा मेन करेक्टर कहेगा, मैंने तुमसे कहा ना मेरे को बस यहाँ पर ट्राई करना है, तो बस ट्राई करना है एंड मैं कुछ नहीं जानता। एंड इसी के साथ जो है ट्रेनर कहेगा, ठीक है कोई बात नहीं, अब भाई तुम स्टाफ है, बोले हैं लोगों ने तो तुम कर सकते हो। एंड हमारी यून से कहते, तुम इसको रोकने वाली नहीं हो। यून भी लाइक, मेरे को इसके ऊपर भरोसा है तो क्यों रोका जाए। एंड मेन कैरेक्टर पहुंच जाता अपने फील्ड के अंदर, कहता है कि तुम लोग जो है अब इस टेस्ट को स्टार्ट कर दो, बाकी चीज़ों को मैं यहाँ पे संभाल ही लूँगा। एंड तभी दिखाया जाएगा टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, स्नो वाली एरिया बनाई जाएगी एंड यहाँ पे पिग की एंट्री हो जाएगी। सबसे पहले एक पिग आता है एंड हमारा मेन कैरेक्टर अपने डॉगी से कहता है, तो सबसे पहले तुमको उसके पीछे जाना है एंड सबसे पहले अटैक उसके गले पे करना है, एक ही बार में ख़त्म करो। एंड स्नो विल बी लाइक, हाँ मैं रेडी हूँ, लेकिन मेन कैरेक्टर कहता है अपनी रियल पावर मत यूज़ करना, अपने डॉग वाले फॉर्म में रह के जो भी कर सकते हो करो, क्योंकि तुम्हें 2 स्टार पर प्रमोट करना है। एंड डॉग भी लाइक ओके रेडी है। जैसे ही पिग अटैक कर दिए, डॉग भाई हवा में उड़ के सीधा पीछे की साइड पहुंच जाता है एंड एक ही बार में जो है उसके गले के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देता है। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर, वाओ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम किया तूने, तो एक ही बार में तो है इस पिग को ख़त्म कर दिया, लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी, क्योंकि अभी एक गया है तो बाकी के पिग अब बॉर्न होना शुरू हो जाते हैं, बाकी के आने शुरू हो जाते हैं। एंड मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ पे केयरफुल हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ सराउंडिंग से अब अटैक होने वाला है। एंड डॉग भी लाइक, भाई तू टेंशन क्यों लेता, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इन सभी को संभाल लूँगा। एंड तभी दिखाया जाएगा बाकी के जो पिक्स होंगे वो हमारे डॉग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। एंड भाई डॉग अभी आगे वाले दूसरे पिक को देख ही रहा है एंड तभी साइड से दूसरा पिक आ जाता है एंड डायरेक्टली हमारे डॉग को भाई हिट कर देता है। एंड जब भाई किसी के 2 स्टार का बीस जो है 1 स्टार का डॉग को हिट करेगी ये तो क्या ही होगा। एंड जो हमारा ट्रेनर रहता है वो भी देख के हैरान होगा कि अब इसका डॉग तो गया है। एंड हमारी यून भी ये देख के हैरान होती है कि अब क्या होने वाला, क्योंकि डॉग जो है काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया। एंड बोलती है कि याओ तुम ऐसे नहीं मार सकते, मतलब कि तुम इतने ज़्यादा नहीं हार सकते, मेरे ऊपर तुम्हारा यकीन है, तो यहाँ पे तुम यार फाइट करते ही रहो। एंड डॉग भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है एंड इसको चारों तरफ से जो है पिग वाले वीस्ट जो है घेर चुके हैं, लेकिन भाई हमारा डॉग भी लाइक, हम थोड़ी ना बच्चे हैं। एंड सारे के सारे जो पिग्स होते हैं हमारे डॉग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं एंड घेर के खड़े रहते हैं, लेकिन हमारा डॉग भी अब रेडी है, फालतू में कोई भी टाइम नहीं वेस्ट करेगा, अब यहाँ पर लड़ाई करनी पड़ेगी। एंड तभी रेड ऑरा बाहर निकलना शुरू हो जाता है एंड यून भी लाइक, ये क्या हो रहा है, इस डॉग के बॉडी से रेड ऑरा कैसे बाहर निकल रहा है। एंड किसी को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है एंड इवन द इंस्ट्रक्टर भी कहते हैं कि ये वाली सीन आज तक मैंने नहीं देखी, बहुत पुरानी ऐसी चीज़ें मैंने देखी थी एंड मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ पे देखा था, ये कुछ खास चीज़ है जो कि मेरे को अभी तक नहीं याद आ रहा है। एंड भाई हमारा डॉग फुल रिकवरी हो जाती है एंड रेड ऑरा से बाहर निकलने लगता है, और रेड ऑरा ये देखने के बाद जितने भी पिग रहते हैं वो खुद भी कुछ डरने लगते हैं। एंड बाकी जो ट्रेनर रहता है कि एक मिनट मेरे को याद आया, ये तो नेचुरल बोन टायरन है, वो भी एस्ट्रल, मतलब कि जो इनके इंस्ट्रक्टर होते हैं, एंसेस्टर होते हैं, उनकी जो पावर है वो इस डॉग के अंदर आ चुकी है, यानी कि ये काफ़ी बढ़िया बीस्ट बन चुका है, जो कि लाखों में से एक बीस्ट के अंदर होती है ऐसी पावर। एंड भाई हमारा डॉग जो है मोस्ट यूनिक जो है वुल्फ बन चुका है, वुल्फ है लेकिन डॉग की तरह दिख रहा है, दैट्स वाई मैं डॉग बुला रहा हूँ, तो कन्फ्यूज मत होना। एंड भाई अब ये ऐसे अटैक कर रहे हैं पिक्स के ऊपर जैसे कि वो पानी के बने हुए हैं, जिसको भी टच करता है एंड सारे के सारे पिक्स ख़त्म होते जाते हैं। एंड भाई अब पिक्स भी हम यहाँ पे रुक नहीं रहे, वो अपने फाइट करने के लिए आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन देखते ही देखते वो सारे जो गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पे डेथ दिखाई नहीं जा रही क्योंकि यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स हैं तो वो वैनिश हो जाते हैं। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक, क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारे इस डॉग के साथ क्या हो गया है। एंड तभी चेक करता है कि क्या हुआ है, तभी पता चलेगा कि इसको अननोन ब्लेसिंग मिली है, यानी कि इसको जो है एंसेस्टर्स की पावर मिल चुकी है हमारे डॉग के पास। एंड ये पावर इतनी बड़ी है कि इसकी हर एक स्किल को जो है बूस्ट कर देती है, दैट्स वाई अब ये नॉर्मल उल्फ की तरह नहीं है, बाकी उल्फ से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। अब जितने भी भाई पिक्स अटैक कर रहे, ऊपर से अटैक कर रहे, साइड से अटैक कर रहे, लेकिन हमारा डॉग भाई लाइक अब तो कोई भी नहीं रुक सकता, अपन तो यहाँ पे तूफान बन चुका है। एंड भाई देखते ही देखते वो कई सारे जो पिक्स होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। एंड मेन कैरेक्टर कहता है, मेरे को याद है कि ये रैक फोक जो है हमारी जो मेन
कैरेक्टर की डोंग डोंग है वो कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। एंड ट्रेनर भी कहता है हाँ हाँ मेरे को याद आए, ये ब्लड अवेकनिंग है जो कि सारे अवेकनिंग में से एक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनिंग है। ऐसी अवेकनिंग तो हमारे ट्रेनर कहते हैं कि यार मैं पर्सनली बिजनेस कर रहा हूँ इस लेजेंडरी मोमेंट को, पहली बार देख रहा हूँ किसी ड्रायर उल्फ को जो है ब्लड उल्फ में बदलते हुए, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड हमारी जू कहती है तो मतलब कि हमारा यून जो है वो पास हो सकता है टेस्ट को। ट्रेमर कहते हैं नहीं नहीं अभी तो इसने सिर्फ 44 को किल किया, कैसे पास होगा। लेकिन हमारी जू भी लाइक कंटिन्यू मार दे रहा हूँ भाई तू जीत रहा है। एंड हमारा यू भी यहाँ पर फुल जोश में आ चुका है भाई अपने ब्लड उल्फ को, कहता है भाई रेडी हो जा तू फाइट करने के लिए। लेकिन हमारा ब्लड उल्फ जो है काफ़ी ज़्यादा फाइट कर चुका है, पहले से काफ़ी ज़्यादा घायल था, दैट्स भाई अब ये यहाँ पे थकना शुरू हो जाता है। एंड मेन कैरेक्टर कहता है कि यार ये कितने अभी तक इन्होंने हमारे पिक को मारा है तो देख लेते हैं, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा हमारा उल्फ जो है वो थकने लगा है। एंड पता चलेगा कि बैटल जो है ख़त्म होने वाली है, आपने 44 को मारा है लेकिन अभी जो है आप लेवल 2 पे कर सकते हैं। एंड मेन कैरेक्टर को ये जैसे ही दिखेगा कि मिशन कम्प्लीट हुआ लेवल 2 पे कर सकते हैं तो जल्दी से लेवल 2 पे करते हैं, और इसी वजह से जो है अब हमारे जो ब्लड उल्फ है जो उसकी वजह से लेवल 2 पे जाने की वजह से कंपेनियन स्किल मिल जाती है। एंड मेन कैरेक्टर ये सोचता है वाओ ये काफ़ी ज़्यादा होगा, जैसे कि मेरा उल्फ जो है फिर से अवेकन हो चुका है, एंड कंपेनियन स्किल मिल गई तो काफ़ी बढ़िया होगा। एंड कंपेनियन स्किल मिलते ही हमारा उल्फ फिर से रेडी हो जाता है एंड फिर से अटैक कर देता है। इसमें एक फ़ायदा ये भी है जितने भी ये पिक्स है उनको जितने को मारेगा उनकी एनर्जी लेके खुद की एनर्जी को भी रिकवर कर सकता है। एंड मेन कैरेक्टर ये देख के कहेगा वाओ अब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो भाई रेडी हो जा, अपने आप को अवेकन कर लिया, अपनी एनर्जी को रिस्टोर सकते हैं, तो अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी को मार देंगे एंड जल्दी ही हम लेवल 3 स्टार पे पहुँच जाएंगे। तो अब भाई हमारा उल्फ जो है यहाँ पे फुल्ली अटैक करना शुरू कर दिया है एंड जितने भी बिग्स हैं उनको मार मार के एनर्जी अब्जॉर्व कर रहा है, जिससे और भी ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल बनते जा रहा है। अब इसके सामने कोई भी टिक ही नहीं पा रहा है, इवन ट्रेनर भी हैरान है कि अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है। एंड हमारी जू है कहती वाओ अगर देखा जाए तो उल्फ के अंदर लगता है कोई अलग से स्किल आ चुकी है जिसकी वजह से वो अपनी एनर्जी को रिकवर कर पा रहा है, तो क्या ऐसी कोई स्किल हो सकती है क्या जिसकी वजह से जो उसकी सोल पावर इंक्रीज हो रही है। एंड ट्रेनर भी लाइक अरे मेरे पास 20 साल का तजुर्बा, आज तक मैंने देखा ही नहीं कि 2 स्टार का कोई भी ऐसा कर सकता है, वैसे भी वो एक उल्फ है तो उल्फ भाई बेकार ही होता है, अगर कितना भी अच्छा कर ले कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो जाए पावरफुल हो जाए लेकिन क्वालिटी तो उसकी बेकार है तो वो कुछ ही नहीं कर पाता है। लेकिन देखते देखते यहाँ पे जो है हमारा मेन कैरेक्टर रेडी है कि भाई हमें सिर्फ 200 लोगों को मारना है, तो अब यहाँ पे हम लोग पूरी दिल लगा के फाइट करेंगे। एंड इवन जो पिक्स होते हैं वो अब तो झुंड में अटैक करना शुरू कर देते हैं हमारे डॉगी के ऊपर, लेकिन हमारा डॉगी भी लाइक इसको खाया उसको खाया सबको यहाँ पे खा के ख़त्म कर देंगे। एनर्जी जो होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है एंड डॉगी भाई अब इतना पावरफुल हो चुका है वो सबको तो ऐसे मारता है जैसे कि कचड़े हो। एंड इसको एक लात मारा उसको दो लात मारा एंड इसको भाई तू साइड रहे तू कमज़ोर है। एंड इस तरीके से भाई अब ये फाइट को ख़त्म कर रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा फनी लगता है यहाँ पे। एंड देखते ही देखते 210 यहाँ पे जितने भी पिक्स हैं उन सबको ख़त्म कर दिया। एंड फाइनली इन सबको ख़त्म करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक तो अब हो गया ना। एंड बाकी एक बच्चा ध्यान देगा कि जो बोर्ड रहता है उसके ऊपर नेम चेंज हो जाते हैं, यानी कि किसी ने जो है इस लिंग जियान सिटी के अंदर एक जीनियस आ चुका है जिसने कि काफ़ी कम टाइम में जो है इस इजी वाले डिफ़िकल्टी लेवल को ख़त्म किया है। एंड मेन कैरेक्टर बाहर निकलता कहता और भाई कोच बताओ तो मैंने ख़त्म किया ना, कोच भी लाइक हाँ तुमने ख़त्म किया है। एंड फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है तो बताओ टाइमिंग क्या हुई, मैंने कितने देर में ख़त्म किया है, तो 2 घंटा 53 मिनट के अंदर ख़त्म किया है, जो कि भाई हमारी हीरोइन जू से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है कि मैंने तो 1 घंटा पहले ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अब ये मैं पूरे शहर के अंदर फर्स्ट प्लेस पर आ चुका हूँ, अब मेरा रिकॉर्ड यहाँ पर कोई तोड़ भी नहीं सकता है। एंड भाई हमारी जू कहती है कि क्या क्या वाला तूने मेरा रिकॉर्ड छोड़ा, अब क्या चाहिए तेरे को। एंड हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं पैसा लूँगा पैसा, कोच बोलता है हाँ रिवॉर्ड तो मिलेगा लेकिन हम पैसा नहीं मटेरियल देते हैं। एंड मेन कैरेक्टर भी नहीं नहीं पैसा हमको दो हम पैसा लेंगे। एंड हमारी हीरोइन कहती है अरे तो पैसा मत मांग ये काफ़ी बढ़िया चीज़ देते, वो बोलते हाँ सर जी हम आपको बहुत बढ़िया चीज़ देते तो आप वही लो लो, जैसे कि आपको हम ऐसी चीज़ देंगे जिसकी वजह से आप कल्टीवेट करके आप अपने उल्फ का लेवल जो है उसको बढ़ा सकते हो उसको इवॉल्व कर सकते हो। एंड भाई ये सुनते ही मेन कैरेक्टर सीधा कल्टर के ऑफ
ऑफिस में पहुंच जाएगा, यानी कि यहाँ का जो मालिक है सीईओ के ऑफिस में पहुंच जाता है। एंड कोच भी लाइक भाई मेरे को पीछे छोड़ के क्यों भाग रहे हो, मेरे को आगे आने दो ताकि कि मैं तुमको रिकमेंड कर सकूँ जो है क्यूरेटर को, एंड मेरे को भी थोड़ा इनियम मिले। लेकिन जैसे ही आगे पहुँचता है देखता है एक मिनट ये सामने से कौन आ चुका है, एंड सामने से भाई अपना खुद क्यूरेटर आ जाते, यानी कि इनको तुम डीन कह सकते हो, मैं डीन कहता हूँ। तो डीन आ जाते कहते वो तुम फर्स्ट हो जिन्होंने ब्लड एपनिंग की है एंड इसी के साथ फर्स्ट प्लेस पे पहुंचे हो, और अगर देखा जाए तो तुम यहाँ सरपास कर सकते हो यहाँ का जो सबसे स्ट्रांगेस्ट वॉरियर था। तो दैट्स वाई जो है अगर मेरे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगा जो तुम मांगोगे। मेन कैरेक्टर भी लाइक जो भी मैं मांगूंगा दोगे, एंड वो बोलेंगे कि हाँ हाँ मैं दूंगा। पीछे से कोच भाई लाइक ये बंदे को बात ही नहीं करनी आ रही है कि किस तरीके से डीन से बातें कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। एंड इसी के साथ हमारे डीन कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है लेकिन मैं स्ट्रीमर हॉल का जो ऑनर हूँ, तो दैट्स वाई जो मांगोगे वो मिलेगा। मेन कैरेक्टर सुन के हिल जाएगा, अरे 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 आप ही क्यूरेटर हो, यानी कि आप ही डीन हो, मेरे को पता ही नहीं था, अरे सॉरी सॉरी सर, थोड़ी सी रिस्पेक्ट देते हैं। एंड फिर इसी के साथ कहते हैं वो मांगो अब क्या चाहिए तुम्हें, एंड मेन कैरेक्टर बोल ही जाएगा क्या मैं आपसे पैसे थी। पीछे से हमारी जू के मारती है कहेगी चुप हो जाए, वो जो देंगे वो ले लेने का। एंड फिर हमारे जो यहाँ पे डीन है कहते हैं तो देखो मैं तुम्हारा जो फर्स्ट टायर का उल्फ है इसको मैं काफ़ी अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करूँगा जिसके ये अपना और भी ज़्यादा लेवल अप कर सकता है, तो बताओ ये तुम्हारे लिए अच्छा है। एंड वो ये भी सोच लेते कि जल्दी ही लिन सिटी का जो है रिप्रेजेंटेटिव का एग्ज़ाम आने वाला, तो मैं इस बंदे को भेज दूंगा फाइट करने के लिए। एंड बाकी जितने भी लोग आजू बाजू रहते हैं ये करेंगे क्या क्या जो स्कोर बोर्ड है वो चेंज हो चुका है, मैंने सुना कि उसको एक वाइट टायर उल्फ ने चेंज किया है। एंड सारे लोग जो होते हैं वहाँ पर देखने के लिए पहुँच जाते हैं हॉल के अंदर कि भाई चल का रहा है, किसने जो है ऐसे हुआ कि इतने सालों से जो रिकॉर्ड बना हुआ था उसको तोड़ दिया है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता वाओ मेरी स्नो उल्फ की इतनी ज़्यादा पावर बढ़ चुकी है, तो मैं ऐसा छोटे मोटे अब तक तो काम ही कर सकते हैं। एंड डीम पूछ लेते तो बताओ तुम नॉर्मल डिफिकल्टी वाला लेवल चूज़ करना पसंद करोगे या फिर नहीं। एंड मेन कैरेक्टर ये सोच के कहता कि नहीं नहीं यार अभी मैं इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे जो नॉर्मल डिफ़िकल्टी लेवल नहीं खेल सकता, जो कि अभी हमारे एमसी ने पूरा किया वो इजी डिफ़िकल्टी लेवल था। एंड हमारे डीन कहते यार तुम तो काफ़ी ज़्यादा हम्बल हो, एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ लेकिन शायद से तुम कर सकते हो एक बार ट्रायल तो देखो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं यार मेरे को अभी लोकी करके रहना पड़ेगा, और ना यहाँ पे कई सारे लोग जो है काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मेरी पा जाएंगे। एंड डीन कहते ओके कोई बात नहीं है लेकिन इन द फ्यूचर जब भी तुम वो ट्रायल करोगे देन मेरे को एक बार बता देना क्योंकि तुम्हें एक बार लेना पड़ेगा मतलब अपॉइंटमेंट, देन उसके बाद हम आगे बात करेंगे। एंड तभी सारे लोग पहुंच जाते कि हमारे मेन कैरेक्टर को देखने कि इस किस तरीके से जो है इसका एक स्नो टायर वुल्फ जो है वो किस तरीके से फर्स्ट आ सकता है। एंड लोग बोलेंगे नहीं नहीं हो सकता है कि वो जरूर से चीटिंग की होगा, हम उसको जरूर से जो है एक बाहर निकाल के रहेंगे उसकी चीटिंग पता करेंगे। एंड देन हमारा एमसी जो रहता है फिर से अपना जो ट्रेनिंग रहती है वो शुरू कर देते हैं। एंड दिखाया जाएगा कि हमारे मेन कैरेक्टर अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, इसका जो डॉग रहता है काफ़ी बढ़िया काम करते हैं। एंड भाई देखते ही देखते जितने भी पिक्स आते रहते हैं उन सबको ये किल करते जाते हैं, यानी कि ट्रेनिंग जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रही है और यहाँ पे बिना कुछ किए हुए। एंड भाई सारे बंदे देखते कहेंगे वाह भाई मेरे को तो कुछ इसमें स्ट्रांग तो लग नहीं रहा है, ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ। ये तीनों बंदे भाई पीछे पड़े कोई कमी निकल जाए ना हमारे मेन कैरेक्टर को ये पकड़ा दे कि इसने जो है यहाँ पे चीटिंग किया, लेकिन मेन कैरेक्टर यहाँ एकदम चिल बना हुआ है। एंड ये कहता है बिना अपनी अवेकनिंग पावर को यूज़ किए ही अब हमारा जो डॉग है वो काफ़ी ज़्यादा पिक्स को मार सकता है एंड स्ट्रेस बिना स्ट्रेस लिए जो इस ट्रायल को कंप्लीट कर सकता है। एंड भाई हमारा डॉग भी लाइक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़े में रहते हुए भी अपने पावर को कामयाब यूज़ करता है एंड पिक्स को मार देता है। एंड बाकी दोनों बंदे जो देखते रहते कहेंगे यार मैं तो ये देख ही नहीं सकती। एंड जो लड़की भी लाइक यार जू कितना ज़्यादा प्यारा है ये, मैं तो पसंद करने लगी हूँ। दोनों बंदे कहते ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है कि ये बंदा ऐसे कैसे कैसे कर रहा है। एंड ऐसी ऐसी स्किल जो है 3 स्टार पर भी नहीं हमें मिल सकती है। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक जल्दी हमारा डॉग जो है वो 3 स्टार पर पहुँच जाएगा। एंड भाई डॉग भी लाइक अपने जो पिक्स है उनको दौड़ा दौड़ा के मार रहा है। एंड भाई पिक्स बेचारे भाग रहे लेकिन डॉग भाई उनके सामने आ जाता है कहता अब कहाँ बच के जाओगे तुम लोग। एंड भाई उन लोग को जो है डरा डरा के मार रहा है, अब जितने भी पिक्स है सब के अंदर ये खौफ आ चुका है।
एंड फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाएगा, फिर बंदे आ जाते देखने के लिए, अरे भाई तू इधर आ गया, हाँ भाई मैं भी आ गया वो हमारे यून का देखने के लिए। एंड दोनों देखने लगे, कहेंगे हमारे यून की तरह कोई भी फाइटर नहीं, उसकी डॉग्स की तरह कोई हो ही नहीं सकता। एंड जो लड़की रहती है भाई वो तो डंडे लेके आ जाती, लाइट एकदम प्यार में डूबी हुई कि अरे हम लोग तो साथ में ही रहने वाले। एंड दोनों बंदे भी लाइक हाँ ये क्या हो गया, इतने जैसे कब से बदल गए। एंड तीनों भाई यहाँ पे फैन बन चुके हैं। एंड भाई यहाँ पे फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। एंड भाई बोलते हैं ब्रदर किंग आप तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी भाई अब यहाँ पे कुछ करना ही है, आराम से वो चिल मारता रहता है, कहता अगर देखा जाए तो हमारे जू को 2 महीने लगे थे अपने 1 टायर से 4 टायर तक पहुँचने में, और मैंने 1 हफ्ते में जो है 1 टायर से 2 टायर पहुँच चुका, तो मेरे काफ़ी जल्दी पहुँच जाऊँगा, मेरी रिकवरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, अब तो ज़िंदगी झिंगा लाला है, मैं सबसे पावरफुल बनने वाला हूँ यहाँ पे। एंड फिर दिखाया जाएगा अपना एकदम चिल करते हुए, कहता है कि अभी शहर के अंदर अपना राज होने वाला है क्योंकि मैं सबसे बड़ा जीनियस बनने वाला हूँ। वैसे भी अगर देखा जाए तो हम लोग डंजन में जाने वाले जो कि स्नो टायर का डंजन होगा, तो मेरे स्नो उल्फ के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। एंड भाई अब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो ही चुका है, तो अगर 3 लेवल पर बहुत ज़्यादा 3 स्टार लेवल पर हमारा उल्फ, तो हम लोग जो है नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल देखेंगे। एंड भाई उल्फ इनको दौड़ा रहा है, देन मेन कैरेक्टर कहेगा अरे वो पागल गई है, तू कुत्ता नहीं है तू उल्फ है, ऐसे थोड़ी ना उनके पीछे बढ़ सकता है। एंड फिर हमारी सीन शिफ्ट होती है, एक घर का दिखाया जाता है सीन, और इस घर में अंधेरा है और एक रूम में लाइट जल रही है। एंड भाई लाइट के सामने कोई बैठा हुआ है एंड कंप्यूटर में कुछ कर रहा है। एंड आप लोग सोच सकते हो ये कौन है, वही हमारे पीलो वालों अंधा बंदा जो क्लास में सबसे ज़्यादा स्ट्रांगेस्ट है। एंड भाई कंप्यूटर में क्या देख रहा है, ये देख रहा है नॉटी अमेरिका। एंड भाई ये देखने के बाद वो देख ही रहता पीछे से दरवाज़ा खुला करेगा, बोलेगा यंग मास्टर आपने मैंने कुछ लाया कि किसी ने आपका रिकॉर्ड तोड़ा है, आपका क्लासमेट ही है। एंड भाई बंदा डर जाता कि ऐसे ऐसे कैसे घुस सकता रूम में, नौकर कहेंगे तू नौक करके आएगा रूम के अंदर, देखो पता नहीं है मैं क्या देख रहा था। एंड भाई जल्दी से अपने लैपटॉप को बंद करता है एंड कहता है कभी भी नेक्स्ट टाइम से तुम रूम के अंदर एंटर करो तो बिना नॉक किए नहीं एंटर कर सकते हो। देन वो लिस्ट चेक करता है यानी कि फ़ोटो देखता है कि कौन बंदा है जो इस शहर के अंदर जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया सभी का। एंड कहेगा कि ये तो वही बंदा है जिसके टीम के अंदर वो लड़की है, एंड ये बंदा तो मेरे पास भी आया था जो कि पूरे क्लास में सबसे पूछ रहा था। अब देखते हैं मिलिट्री ट्रेनिंग में हम लोग जाने वाले, तो शायद से मैं इसके टीम में पहुँच जाऊँ क्योंकि अभी एक बच्चे की जगह खाली है। एंड नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है मिलिट्री डे जहाँ पे सारे बच्चे पहुँच चुके हैं एंड मिलिट्री की ट्रेनिंग में जाने के लिए रेडी हैं। एंड यहाँ पे दोनों लोग भी हमारे पहुँचे हुए हैं यानी कि हमारे जून और हमारी जो। एंड दोनों लोग अपने स्पीड बीच के साथ पहुँचे तभी टीचर आता है कि भाई तुम लोग इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो कि सिर्फ 2 लोग तुम जा रहे हो, तुम्हारा टीचर होने के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम अपने तीसरे बंदे का नाम क्यों नहीं लिखे। एंड तीसरा बंदा तुम हो ना लू लियांग, एंड लू लियांग भी लाइक अरे अरे सर यस यस सर हम यही हैं। बाकी बंदे देख के हैरान कि लू लियांग भाई उनके ग्रुप में पैसे पहुँच गया क्योंकि पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वही है, 5 स्टार का लेवल भी उसी के पास है यानी ये उनके ग्रुप में कैसे पहुँच गया है। लू लियांग आता है कहता है कि ओ भाई हम आपके ग्रुप में आना चाहते रेडी हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है कहेगा है ये क्या हो गया तुम हमारे ग्रुप में क्यों आना चाहते हो, लेकिन हमारा लू लियांग कहता अरे देखो अब हम दोनों जो है मैंने देखा तुम्हारी टीम काफ़ी ज़्यादा खाली है एंड तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, दैट्स वाई मैं तुम्हारे ग्रुप में आना चाहता हूँ। एंड हमारा मेन कैरेक्टर उसके स्पीड बीस्ट को देख लेता है जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटी रहती है एंड उसके गले में छुपी रहती है, दैट्स वाई वो भी कहता है ठीक है तुम आ सकते हो हमारे ग्रुप के अंदर, क्योंकि जान जाता है कि इसकी जो स्पीड बीस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा खास है एंड पावरफुल है ही, तो इन द फ्यूचर शायद से कुछ ना कुछ काम ही आ जाए। एंड तभी एक लड़की आती है एंड ये जब देखती है कि किस तरीके से लू लियांग जो है उस कचरे के टीम में जा रहा है यानी हमारे हीरो की टीम में, वो चिल्लाने शुरू कर देती है कहेगी लू लियांग तुम ऐसे कैसे हमें धोखा दे सकते हो, तुम दूसरे के टीम में किस तरीके से जा सकते हो क्योंकि हम तुमने तो कहा था कि तुम्हारी अलग टीम है। फिर लू लियांग कहता अरे अरे थोड़ा सुनो तो मैं ये कह रहा था कि देखो मैं कोई भी टीम में नहीं था एंड अभी इसी की टीम खाली है, दैट्स वाई जो है मैं इसका टीम ज्वाइन कर रहा हूँ और किसी की टीम खाली नहीं है तो दैट्स मैं नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ। देन वो लड़की कहते ऐसे ऐसे मत कहो तुम किसी न्यू वी के टीम में नहीं जा सकते हो, मैंने भी तुमसे पीछा था अपनी टीम में आने के लिए लेकिन तुम आए नहीं थे, तो मैं अभी अभी अपने एक टीम मेंबर को बाहर निकाल दी, तुम जल्दी से मेरे टीम में आ जाओ। एंड एक बंदी को बोलती है कि तुम जल्दी से मेरे टीम से निकल जाओ और मैं उसको बुलाना चाहती हूँ। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ऐसे कैसे हो सकता है, लू लियांग के पास 5 स्टार का स्नो वुल्फ है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वो हमारे ही टीम में रहेगा। एंड मेन कैरेक्टर भी बोलना शुरू कर देता है ओ क्या समझ रही है
अपने आप को एंड वो कहते हैं मे को लू लियांग दे दो, इस बंदी को तुम पकड़ो। एंड मेन कैरेक्टर भाई अपना मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है वो क्या हुआ मेरे कुत्ते ने तेरी छेड़ दी क्या बहन छेड़ दी, ऐसा चिल्ला रही तू अपने औकात में रहे। एंड भाई ये काफ़ी ज़्यादा जो रहता है उनको चिढ़ा देता है। एंड लड़की भी लाई अब ये क्या हो रहा है पूरे क्लास के सामने ही कर रहा है। एंड भाई अब वो इतनी ज़्यादा जल जाती है कि वो जिसको भगा रही थी उसी को साथ में लेके चली जाती है अपने टीम में। एंड इसी के साथ जो है अपना लू लियांग जो बंदा रहता है अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है, कहता है कि मैंने थोड़ा सा कॉज ट्रबल कर दिया लेकिन कोई बात नहीं हम लोग आप साथ में एक साथ निकल सकते हैं अपने ट्रिप के ऊपर एंड शायद से हमें इन द फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड हमारे टीचर भी कहते हैं तो सारे बच्चों लोग रेडी हो जाओ एंड बस के अंदर बैठ जाओ क्योंकि अब हमारी बस जो है यहाँ से निकलने वाली है एंड हम लोग डेंजन की तरफ जाने वाले हैं। एंड सारे बच्चे भाई बस में बैठ जाते हैं एंड ये जो बस रहती है वो जो बस है वो निकल चुकी है इनके कॉलेज से। एंड तभी जो रेड बालों वाला बंदा रहता है वो इनके ऊपर नजर रखने लगता है कि यंग मास्टर लू जो है वो इन बच्चों की टीम में क्यों गए जबकि सबकी सब इतने ज्यादा कमजोर है। तो सबसे पहले हमारे जू को देखता है कि इसके पास तो काफी बढ़िया 4 स्टार का आईसी फॉक्स है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। एंड वहीं पे देखा जाए तो ये लड़की जो है काफी ज्यादा रियल टैलेंट है और ऐसा देखा जाए तो ये काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जो हमारे लड़के का उल्फ है वो एक दिन में किस तरीके से 1 स्टार से 2 स्टार पहुंच चुका है, तो मतलब कि ये स्नोई फॉक्स मजबूत है लेकिन ये लड़की का जो उल्फ कही ये वही तो नहीं है जो कि हमने हॉल में सुना था जिसने अपना सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन फिर कहते हैं नहीं नहीं लगता है कि दोनों लोग अलग होंगे, उसका भी नाम यून होगा इसका भी नाम यून होगा। लेकिन अगर हमारे यंग मास्टर की बात देखी जाए तो भाई ये इनके टीम के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से है। एंड यंग मास्टर भाई लू यू कहते कि अरे आपको पता नहीं है आपने लिंगयान सिटी के जो टेमिंग हॉल में जो रिकॉर्ड तोड़ा है आपको पता नहीं इस शहर के अंदर नोबिया की स्प्रिट मास्टर ग्रैंड मास्टर स्प्रिट मास्टर मास्टर स्प्रिट मास्टर जितने भी हैं सबका फर्स्ट रिकॉर्ड जो है उस लड़की का है एंड आपने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक तो शायद से मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँगा कि मैंने ऐसा कर पाया है। एंड यंग मास्टर लू कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो लेकिन लकी के साथ स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए एंड तुम मेरे को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लगे हो तो इन द फ्यूचर हम लोग साथ में मिलेंगे एंड एक साथ मज़ा करने वाले हैं। मैं तुमको कुछ एलियन बीस्ट के बारे में भी बताऊँगा। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या सच में मैं भी एलियन बीस्ट से मिलना चाहता हूँ एंड देखना चाहता हूँ वो कैसे दिखते हैं। एंड इसी के साथ ये भी सोचता है कि अगर देखा जाए एलियन बीस्ट के बारे में पता चल गया तो शायद से जो मैं अपने बारे में भूला हूँ वो सब कुछ मैं जान सकता हूँ। एंड फिर कहते हैं यार मेरे को तो अपनी यून का भी ओपिनियन जान लेना चाहिए। यून से पूछा जाता है यून भी लाइक ओए ओए अब क्या मेरे से पूछ रहे हो, जब डिसीजन बना रहे थे तो ओपिनियन नहीं पूछे अब लास्ट में फाइनल करने के बाद मेरे से पूछ रहे हो कि चलोगी कि नहीं। एंड सारे लोग कहेंगे अरे अरे मान जाओ ऐसा थोड़ी ना होता है। एंड सारे लोग यहाँ पे कहेंगे कि तुम्हें पता नहीं हमारे यून के पास फॉक्सी का स्पीड बीस्ट अब वो गायब कहाँ हो गया। एंड देन यून कहती है अब वो हमारे स्पेस बॉक्स में चला गया। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक ये स्पेस बॉक्स होता गया समझाओगी, कहेंगे देखो एक स्प्रिट होती है तो स्प्रिट को जो है हम अपने सोल एनर्जी के अंदर रख सकते हैं जो कि एक स्पेस बॉक्स की तरह काम करता है जिसके अंदर हम लोग स्प्रिट को रख सकते हैं तो वो आराम से रह सकती है उसको वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती हमें कैरी भी नहीं करना पड़ता है एंड उसको ऐसे समन किया जाता है। एंड जो अपनी स्पीड बीस्ट रहती है वाइटी फॉक्स को उसको जो है समन कर लेती है। मेन कैरेक्टर को एक ही चीज़ समझ में आई अच्छा जैसे घर के अंदर एक कुत्ते को बंद करके रखे ऐसे ही कुत्ता भी सोचता है कि हमारे यंग मास्टर क्या सोच रहे हैं यहाँ पे। एंड फिर दिखाया जाएगा हमारे यून कहती है तो फाइनली देखा ना काफ़ी ज़्यादा ईजी है किस तरीके से किसी भी हम स्पीड बीस्ट को बाहर निकाल सकते हैं एंड उसको अंदर भी रख सकते हैं। एंड इसी के साथ बाकी लोग मास्टर लू भी कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होता कोई अपने डोमेन का यूज़ कर पाता है, वैसे भी ये छोटी सी फॉक्स थी तो कोई भी इसको डाल सकते ज़्यादा स्पेस नहीं लगेगी। मेन कैरेक्टर भी लाइक क्या कहा तुमने अपनी स्प्रिट बीस्ट को फील करो, कुत्ता भी लाइक ओ मालिक क्या देख रहे हो क्या इज्जत नहीं लूटनी है यहाँ पे। एंड भाई फिर दिखाया जाएगा हमारी यून कहती है ये इतना ज़्यादा भी इजी टास्क नहीं होता काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है ये कम ही लोग ऐसा कोर्स कर पाते हैं। लेकिन देखते ही देखते हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे अपनी स्पीड बीस्ट को भी ऑन कर लेता है एंड स्पेस बैग को ऑन कर लेता है एंड भाई अपने डॉगी को यहाँ पे रखने वाला है। एंड बाकी सब देख के हैरान कि क्या हो रहा है यहाँ पे ऐसा भी कैसे पॉसिबल है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बताना यार अपने डॉग को कोई नाम देना तो दे दो एंड जल्दी इस पे सपोर्ट दिखाओ तो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा वरना कुछ और ही शुरू करेंगे। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।